मुख्तार अंसारी को लेकर अफजाल अंसारी का सामने आया अजीब गरीब बयान। सुनेंगे तो यही कहेंगे, मुख्तार के साथ उस 8 दिन में क्या हुआ, सब्र के 20 साल तक अफजाल करेंगे इंतजार। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का बड़ा दावा, ऐसे दफन है शव 20 साल बाद भी जांच हो जाएगी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल ने किया अजीब दावा। सीएम योगी को अफजाल ने दे दी चेतावनी, कह दिया अगर ये समझ लिया हमने इस कहानी का एंड कर दिया तो ऐसा नहीं है, ये कहानी तो अब शुरू होगी। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने ऐसा क्यों कहा, सरकार अगर समझ रही है मुख्तार के साथ ही कहानी का एंड कर दिया है तो ऐसा नहीं है, ये कहानी तो अब शुरू होगी। अफजाल अंसारी ऐसी चेतावनी आखिर किसे दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ आखिर उस लड़ाई को अफजाल अंसारी किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अफजाल ने जो कहा वो वाकई में चौंकाने वाला है। अफजाल की ओर से किया गया ये दावा एक तरह से सीधे सीधे सीएम योगी को चेतावनी है। अफजाल का ये दावा छोटे भाई की जुदाई के वियोग में तड़प रहे एक बड़े भाई की प्रतिज्ञा जैसी लगती है, जिसमें कहीं कहीं टारगेट पर सीएम योगी की राजनीति है, कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को अंदेशा है। उनके छोटे भाई की मौत एक राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है और अब उसी के प्रतिक्रिया के तौर पर लगता है अफजाल अंसारी भी प्रतिशोध में जल रहे हैं। तभी तो एक अजीब सा दावा अफजाल अंसारी ने किया है जिसे सुनेंगे तो हैरान जरूर होंगे। अफजाल अंसारी का कहना है कि मुख्तार अंसारी का बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, मुख्तार के शव को इस तरह से दफन किया गया है कि आने वाले 5 या 20 साल बाद भी अगर जांच करनी हो तो नाखून और बाल से भी जांच हो जाएगी और मुख्तार की मौत के कारणों का पता चल जाएगा। ये कहानी मुख्तार की मौत के बाद खत्म नहीं हुई बल्कि कहानी तो अब शुरू हुई है। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा किसी की औकात की पहचान उसकी अंतिम यात्रा से होती है। शासन प्रशासन ने गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में दहशत का माहौल पैदा किया था मगर फिर भी यहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों की संख्या देखकर अधिकारी हैरान रह गए। मुख्तार की मौत को लेकर अफजाल अंसारी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना कि मुख्तार को जेल में जहर देकर मारा गया। मुख्तार अंसारी ने जहर खिलाकर मारने के प्रयास को कोर्ट के सामने भी बताया था। जेल में मुख्तार अंसारी को जो खाना दिया जाता था उसे बैरक इंचार्ज पहले खाकर चेक करता था, उसकी भी तबीयत खराब हो गई। अफजाल अंसारी ने आगे कहा पूरी योजना के तहत मुख्तार को मारा गया, इसमें डॉक्टर, जेल प्रशासन, सरकार और सादे भेष में घूमने वाले LIU और SCF के लोग शामिल हैं, इन सभी ने मुख्तार की हत्या की। इस दौरान अफजाल अंसारी ने बताया कि मुख्तार के शव को इस तरह से दफनाया गया कि आने वाले 5 से 20 साल तक उसके शव की जांच हो सकेगी, नाखून और बाल से उस समय भी जांच की जा सकेगी और मौत के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। तो साफ है अफजाल अंसारी अपने भाई की मौत के बाद इंतकाम की आग में चल रहे हैं, एक तरह से वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने छोटे भाई का बदला उनसे लेंगे जिसे अफजाल जिम्मेदार मानते हैं।